अनन्य उत्तम भक्ति के लक्षण हम आश्रित जनों के लिए वर्णन किए। आज के प्रसंग में महाराज 32वें सिद्धांत में वर्णन करते हैं कि जैसी प्रापत शरीर छोड़े पाछे शास्त्र और आचार्य की वाणी में लिखी है, यही शरीर में अपनी आंखें देख ले, वह धाम में भावना शरीर सो जाए टहल करे,
कहा बैराग कहा गिर, यह तीन सिद्धांत श्री गुरु सो सुन के निसंदेह हो फिर संदेह न राखे, संदेह ही संसार है। बोलो स्वामी जी महाराज की। महाराज ने सहज भाषा में प्राकृत भाषा में उस समय जैसी बोली चाली थी ऐसी मानुभाव जो है उच्चारण करते थे उसी सहज भाषा में गद्य रूप में आपने वर्णन किया है। हम दासों के हित में महाराज का कहने का तात्पर्य कि जैसी प्राप्त शरीर छोड़े पास है, भैया शरीर छोड़ने से पहले हमको प्राप्ति हो जानी चाहिए। ब्रो व्यारी जू जीते जी हरि प्राप्ति हो जानी चाहिए। प्राप्त में संशय नहीं, तन मन बचन ठीक, पर कुंज विहार में लाडली यही हमारी थी। यहां समझो सो समझिए, वहां समझन कछु नाही, जा समझन में हरि भजे ता हरि माहि समान। हमको जो भी समझना है गुरु संतों से यही समझ लेना है। शरीर छोड़ने के बाद में कुछ नहीं समझना होता है, ये तो पहले ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। रो यारी जू जैसी प्राप्त शरीर छोड़े पास जाको दर्शन इत मिले। भगवत सिद्ध जी महाराज यही बात तो कह रहे हैं, पूर्व प्रसंग में समझा चुके हैं। तो जैसी प्राप्त शरीर छोड़े पाछे हमको पूर्ण विश्वास वस्तु का स्वरूप गुरुजनों से संत रसिक जनों से समझ के ये निर्णय कर लेना है, और ये निर्णय ही प्राप्ति है। वस्तु में निमग्नता विवेकी को चाहिए कि हर समय वस्तु में निमग्न रहे, चिंतन में मत रहे। तो ये उस वस्तु का चिंतन होना, इस चिंतन के आधार पर इस शरीर को छूटने के बाद में उस धाम की उस नित्यता की प्राप्ति होती है। बोलो यारी जू बातें करत बिहार की गरे परो जंजाल, महल टहलती जानी कहा बजाई गाल। बातें बहुत करते हैं और गरे में संसार आसक्ति का जंजाल पड़ा हुआ है। महाराज बोले बड़ों से समझ के महल की टहल को समझना है। आपने कही है कि शास्त्र और आचरण की वाणी में लिखी है कि यही शरीर में अपनी आंखें देखे, यही शरीर में मतलब यही शरीर में हृदय कमल में बड़ों से समझ के चिंतन करे और हृदय में वस्तु को निहारे। व्योम भूम पाताल में नहीं रमापत की ठोर, बर विहारन कृपा उर पयेन साधन हो। भगवत ऋषि कि ये वस्तु कहाँ है। भगवत सुखदेव जी महाराज से पूछी काहू ने, महाराज ये इतनी दिव्य वस्तु नित्य वस्तु रखो कैसे प्राप्त करें, कैसे बात बने कि व्योम भूमि पाताल में रही रमापत की ठोर। आकाश में पाताल में नहीं तरे, पाताल के नहीं परे वो लोग कोई चिंतन करें कि माया का वस्तु ये नहीं, पाताल के तरे के नहीं, तो व्योम भूम पाताल में तो कहाँ हम चिंतन करें।
नहीं रमापत की ठोर, जितनी भी हैं जहाँ रमापति का अधिकार है वहां चिंतन नहीं करना है। कैसे क्या चिंतन करें महाराज, कि वर विहार में कृपा और पय्यन साधन, प्रियाजू की कृपा से हृदय में ही ये वस्तु प्राप्त होगी, हृदय में चिंतन करना है। इसलिए मानसी चिंतन पे आप लोगों से कहते रहते हैं, नित्य वस्तु घर ही सहज, घर यानी हृदय में ही प्राप्त होगी। श्री वृंदावन संजू की कृपा से, रसिक जनन की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हृदय में चिंतन करना है, वस्तु को समझ बर विहार में कृपा हो पयन साधन। और याजू की स्वामी जी की कृपा से और मन हृदय में ये ही चिंतन करना है, और साधन नहीं। बोलो स्वामी जो, तो या ही शरीर में अपनी आंखें देखे भाव रूपी नेत्रों से हृदय में चिंतन करे, वा धाम में भावना शरीर से जाय टहल करे। जैसे जैसे स्वरूप है वस्तु का, उस तरीके से भावना देही से सहश्री स्वरूप से सहश्री भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हूं मान कूट न। कहत सुनत है याज से श्री गुरु दियो, कहत सुनत सेवत ये सुखते धन कौतिक। नरेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, या सुख कू या नित्य सुख कू प्रिया प्रीतम की नित्य केली कू विहार कू, जो कहेंगे सुनेंगे ये समाज गायन क्या है, बिहारी विहरण का नित्य विहार है। एक एक शब्द विहार है, विहार प्राण का है। तो कहत सुनत सेवत ये जी यह सुख, जो कहते हैं सुनते हैं सेवन करते हैं ते धन पौष्टिक हार, जो प्रिय प्रीतम का अंशंग प्राप्त करते। वृंदावन दिन बजत बधाई बल बल विशद विहार, हमेशा नित्य निकुंज महल में श्री प्रिया प्रीतम को अखंड विहार जो बराबर अनवरत रूप से चल रहे है। तो वृंदावन दिन बजत बधाई, तो ये ही बधाई है, दिन माने नित्य और नित्य बधाई प्रिया प्रीतम अति आतुर चातुर और विहार में मगन है, तो हमेशा यही बधाई होती रहती है। सखियां जो है अवलोकन करती रहती हैं श्री ललिता स्वरूप में अनंत सखियां, जो है नित्य तत्व का जो भगवत स्वरूपों के लिए भी दुर्लभ है, ललिता जी की कृपा से स्वामी जी महाराज की कृपा से ये अवलोकन सहज है। बोलो स्वामी जी, जाकी तू प्राप्त चहे ताई कौन नित सेव, भूलन साध है और कौन रसिकन दीनों के। जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसी वस्तु का हमेशा सेवन करना चाहिए, मन से वचन से और क्रिया के द्वारा, तन से मन से वचन से उसी वस्तु का सेवन करना है जिसकी हमको प्राप्ति। अगर 100 जगह मन रखेंगे तो वस्तु हाथ नहीं पड़ेगी। नंद किशोर जी महाराज कहते हैं, जाके तू प्राप्त चाहे ताही को नित्य से नित्य बराबर उसी का सेवन करो। अगर मन नहीं लग रहा है, चिंतन नहीं हो रहा है, तो पांव पसार के सोवनो भलो सो जाओ, लेकिन और कोई संग और कोई वस्तु का चिंतन मत करिए। बोलो स्वामी जो, भूल न साधे और कुं रसिकन दीनों भी। रसिक बार श्री स्वामी ललित कृष्ण देव महाराज कह रहे हैं, भूल कर भी और का सेवन नहीं करे। ये रसिक जन इस भेद को बता रहे हैं कि जिसकी प्राप्ति करनी है उसी का बराबर चिंतन मनन भजन पाठन पठन उसी का करें।
हरि समझे हरि ही भयो, हरि भूले भयो देहो, तादेही के तीन गुण विष्टाक्रमी खेह। जब हम हरि तत्व को, अपने स्वरूप को, हरि के स्वरूप को, विहारी विहारण के नित्य स्वरूप को समझ के हम चिंतन करेंगे हृदय में, तो समझना चाहिए हम हरि स्वरूप ही, सहस्त्री स्वरूप है। जो चिंतन करेंगे हृदय में, तो हरि समझे हरि ही भयो और हरि भूले भयो देहो, और हरि को भूलने पे फिर हम संसारी हैं, इस शरीर स्वरूप है। बोलो बिहारी जू, हरि भूले भयो देहो, और भैया ताते ही के तीन गुण विष्टाक्रमी। महाराज बोले या देही के तो तीन गुण हैं, अगर इस शरीर को कोई खा जाता है तो विष्टा स्वरूप में हो जाती है, अगर इसको पृथ्वी में मृत्यु के बाद गाड़ देते हैं तो पीड़ा पड़ जाते हैं, और अगर जला दिया जाता है तो खे एक राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो तादेही के तीन गुण विष्टाक्रमी थे, तो हरि भूले भयो देह, इसलिए हरि को भूलना नहीं है, वस्तु चिंतन को भूलना नहीं है, बराबर अनवरत रूप से तत्पर रहना है वस्तु चिंतन। इसी जन्म में काम है, चिंता नहीं कर। जो न भक्ति पहचानिए मन धर भजो न भाव। यार मेरी महाराज कहते हैं कि हमने भक्ति की पहचान नहीं करी, अपने स्वरूप की पहचान नहीं करी, हरि के सभी स्वरूपों को एक मानकर भज रहे हैं, मन धर भजो न भाव, बिहारी दास सब द्योस श्रम। जी महाराज बोले तो भैया सब दिना पर तुम श्रम कर रहे हो, तुमने जब भाव नहीं समझा, बड़ों से वस्तु को समझ के चिंतन नहीं किया, उसमें दृढ़ नहीं हुए, अनन्य नहीं हुए, तो तुम श्रम मात्र है। बिहारी दास सब द्योस श्रम, सब दिन श्रम कर रहे हो, ज्यों आवे तुम जाओ, जैसे तुम आए हो वैसे ही फिर तुमको जाना पड़ेगा, यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे। इसलिए हमेशा नित्य वस्तु का भावपूर्ण एक भाव, इसलिए कह दिया कि यहां समझो सो समझिए, इसलिए यहां समझ लेना है कि हमको चिंतन किस तरीके से, चिंतन व्यवस्था कुछ रूप में पहले बता चुके हैं, और क्रम क्रम से आप लोग समझ जाओ या जी कृपा से, और विशेष समझने के लिए और जो है इसी दशकमान भाव के सन्मुख होके अपने प्रश्नोत्तर करके और समझ के वस्तु को दृढ़ कर लेना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो रसकों के पास बैठ के और वहां हल कर लेना चाहिए प्रश्न, क्योंकि अभी समझना है, अगर समझेंगे नहीं, समझ की कमी रह गई आलस प्रमाद वश, तो समझो हम कच्चे रह जाए। तो जो न भक्ति पहचानी मन धर भजो न भाव, वैसे प्रयास कर रहे हैं स्वामी बिहारी जी गुरुजन की कृपा से, इस सत्संग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग वस्तु को समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत तेरे कोई प्रश्न है तो रसिकों के सन्मुख बैठ के, संत महापुरुषों को जहां भी तुम्हारी श्रद्धा है वहां निर्णय और समझ लेना है यथार्थ। बोलो बिहारी जो, क्रम क्रम ये बहुत जरूरी है। बिहारी दास सब द्योर श्रम ज्यों आवे तुम, महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया है।
शास्त्र में वर्णन आता है, वासना यत्र यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे गेयम वासनात् वपुर निर्णाम। कहने का तात्पर्य, जिस मनुष्य की जहां वासना होती है, जीवन की क्रियाओं के फलस्वरूप जहां वासना होती है, उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। जैसी जैसी वासनाएं जैसी क्रिया होती है, जहां मन होता है उसी तरीके से स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न के समान ही मरण होता है भैया। अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है हमारा। जहां मन होगा, जो वासनाएं होंगी हमें, जहां जहां हमारे मन टिकी, वही जो है चिंतन अंत समय पर होता है। इसलिए इस जीवन में बराबर ही हरि रस चिंतन निस दिवस डरौन तन मन चाल। इसलिए हरि रस चिंतन निस दिवस होना चाहिए, तन मन की चाल से नहीं डरना है। बिगड़ी बिड़ी सुधारी है ये रसिकन की प्रतिभा, स्वामी जी महाराज सब सुधार लेंगे। तुम्हारा मत है चिंतन करना, वस्तु में आनंदित रहना, विवेकी को चाहिए चिंतन में रहे। स्वामी जी महाराज तो वासना के अनुरूप ही चिंतन होता है मरते समय पे, जैसी जहां वासना जिसमें, और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है, उसको योनियों में जन्म मिलता है, नाना प्रकार की योनि जैसा चिंतन होगा। मान लीजिए कोई पालतू कुत्ता है, घर में पाला हुआ कोई कुत्ता है, मरते समय उस कुत्ता का चिंतन हो गया किसी ने, लेकिन और भी बहुत प्रकार के सब कर्म किए हैं, लेकिन मरते समय कुत्ता का चिंतन हो गया, तो प्रश्न उठता है कि जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन मरते समय कुत्ता का चिंतन हुआ, उसका क्या होगा? आचार्य मानभाव निर्णय करते हैं कि भैया मरते समय तुमको कुत्ता का चिंतन हो गया लेकिन तुमने बहुत से सत्कर्म किए हैं, तो उन सत्कर्मों का फल जो है खाली नहीं जाएगा। मरते दम तुमको कुत्ता का चिंतन हुआ है, शरीर तो तुमको कुत्ता का ही प्राप्त होगा, कुत्ता बनोगे निश्चित, लेकिन जैसे तुमने जीवन में कर्म किए हैं उन कर्मानुसार तुमको कुत्ता योनि में सुख और दुख प्राप्त होंगे। बोलो बिहारी जी, देखा है आप लोगों ने, एक कुत्ता तो गाड़ियों में घूमता है और साबुन से नहलाया जाता है, बेड़ों पे सुलाया जाता है, और उसको जो चाहे वो खान सामग्री उसको दी जाती है, जो कि मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध नहीं है, वो सुविधा कुत्ता के लिए है। और एक कुत्ता बेचारा गली गली में डंडा खाते हुए डोल रहा है, उसको उसकी पेट पूर्ति भी नहीं हो पाती। बोलो बिहारी जी, एक कर्म जैसे कर्म के निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, दूसरा दृष्टांत है, अभी बताया, इसमें भगवान भी कहते हैं श्री गीता जी में कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यंते कलेरवम तम तमेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। हे अर्जुन, अंत काल में मनुष्य
जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए वह शरीर को छूटता है, वह उसी भाव से भावित हुआ उसी योनि को प्राप्त होता है। बोलो बिहारी जी, देखो इन लोगन की लावने बूझत नाय हरि चरण कमल को मिथ्या जन्म गमावन। स्वामी जी महाराज कहते हैं इन लोगों की लगन को देखो तो सही, संसार में आसक्ति कर बैठे हैं, हरि के शरणारविंदों में आसक्ति, उसके फलस्वरूप क्या होता है? देखो इन लोगन की लावन बूझत नाय हरि चरण कमल को मिथ्या जन्म गमावन। ये मन शरीर हरि प्राप्ति के लिए मिला लेकिन इसने मिथ्या गमा दिया। जब जब दूत आए घेरत तो मिथ्या गवाया, हरि भजन नहीं किया तो यम दूतों के फांसी में फंस जाता है। करत आप मन भावन, और ये यमदूत अपनी मनभाई क्रिया उसके साथ करते हैं, बहुत बुरी तरह दंड देते हैं। ये रोता है, चिल्लाता है, वो बकसते नहीं है। वो कहते हैं कि हमको केवल दंड देने की ही ड्यूटी सौंपती है हमारे लिए, हमारा कार्य केवल दंड देना है। वो रोता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं भजन करूंगा आपके जन्म में। कुछ नहीं, हम नहीं सुनते हैं। सुनने वाले तो वहां संत गुरु बैठे थे पृथ्वी पे, उनसे ये विनय करता, वो समझाते, उनके चरणों में बैठता। उनकी तो तैने मानी नहीं, उनके चरणों में बैठा नहीं, अपने मनमानी चाल से चलता रहा। हम तुझे नहीं बख्शेंगे, हमारा कार्य तो दंड देना है। वो चिल्लाता है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, उसके साथ बहुत बड़ा जो है दुरुपयोग करते हैं। भूख के लिए चिल्लाता है तो उसके मुंह में कुछ और तरह का कुछ डाल देते हैं, प्यासा चिल्लाता है उसके मुंह में और कुछ डाल देते हैं, बुरी तरह यात्रा देते हैं उसको। तो महाराज कहते हैं देखो इन लोगन की लावनी बूझत नाय हरि चरण कमल को मिथ्या जन्म गमावने। और जब जमदूत आए घेरत तब करत आप मन भावन। कहे श्री हरदास तब है चिर जीवो जब कुंज विहारी चितावन। अरे भैया सदा चिर जीवो, फिर मरना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण से बंधना छूट जाएगा। कब भैया? जब कुंज विहारी चितावन, हृदय कमल में बिहारी विहारिन का, कुंज विहारी का चिंतन करें। बोलो स्वामी जी, फिर तुमको इन दुखड़ों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में भावना शरीर सो जाए टहल करे, कहा बैराग कहा गे कि तुम व्रक्त हैं या ग्रस्त के, इसकी चिंता नहीं करनी है। जहां भी है, जिस स्थिति में है, जितनी उम्र है उसी में प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे, आज को लाओ लहे कोने देखी कार, आज का लाभ लीजिए कल किसने देखा है, एक दिन में क्या से क्या हो जाता है। इसलिए बहुत जल्दी शीघ्र ही अपने कार्य को बनाइए, तत्पर हो जाइए बिहारी विहारी के चिंतन। बोलो स्वामी जी, एक दृष्टांत दिया करते हैं महान पुरुष। आधुनिक समय में जो कैमरा चल रहे हैं, जैसे फोटो खींचने वाला फोटो खींचता है, और फोटो खींचते समय मान लीजिए कोई मक्खी आ गई, कुछ भी आ गई, और एकदम नाक पर मक्खी बैठ गई तो उसने नाक सिकुड़ ली, और फोटो खींचने वाले ने फोटो खींच लिया। आप वो फोटो को देखे बाद में कि मैं तो ढंग से बैठा था तो मेरी नाक सिकुड़न कैसे आ गई, मेरा फोटो तो सही, मुद्रा खराब हो गई मेरी मुख मुद्रा, ये तो फोटो अच्छा नहीं है। तो फोटो खींचने वाला कहेगा कि मैंने अपने मन से नहीं, तुम्हारी उस समय जैसी स्थिति थी वही फोटो वही स्वरूप तुम्हारे सामने है। बोलो बिहारी जी, उसी प्रकार मरते समय, मरणासन अवस्था में अथवा मरते समय अंतिम श्वासों में जो स्थिति इस जीव की होती है
वही स्वरूप इसको प्राप्त होता है फोटो की तरह, उसी स्वरूप तुरंत की तुरंत वही स्वरूप प्राप्त होता है। अब होगा क्या, कौन सा चिंतन होगा, जो जीवन भर हमने कृत किए हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। निष्काम भाव से मुनि लोग शायद सकाम भाव से कुछ करते हो, लेकिन तुमको उपदेश है महाराज का, भैया निष्काम भज अनन्य निहकाम, अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिहारी बिहारी के शरणागम का उस नित्य केले का चिंतन करते ही भाई अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो वो नित्य वस्तु जो सबको दुर्लभ है वो प्राप्त हो। हरि कितने दयालु हैं कि जिन श्वासों से और जिस चिंतन से कुत्ता की योनि प्राप्त हो जाती है, और उसी श्वासों से उन्हीं चिंतन से उसी समय से हरि प्राप्त हो जाती है, हरि की प्राप्ति हो जाती है, वही समय है वही श्वास है। अब बस केवल अपना सोचना है, हमको संसार का चिंतन करना है अथवा वस्तु का चिंतन, उसी कीमत में देखो आश्चर्य की कितनी बड़ी बात है, उसी कीमत में हरि प्राप्त हो जाते हैं और उसी कीमत में कुत्ता योनि प्राप्त। बोलो बिहारी जी, तो श्वास की समय की मनुष्य जन्म की इतनी बड़ी कीमत है, इसीलिए महाराज ने कह दिया हरि समझे हरि भयो, भैया हरि भूले भयो देह। तुम हरि को समझोगे हरि चिंतन करोगे तो हरि स्वरूप ही है, संशय मत करो, बराबर चिंतन करते 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 अंत समय भी निश्चित स्वामी जी महाराज के चरणों का ही चिंतन होगा। अनन्य भाव रखोगे, शरणागति रखोगे, बराबर कृपा मनाते रहोगे, अंत समय पे स्वामी जी संभाल लेंगे। लेकिन तुम संसार में आसक्त रहोगे, थोड़ा बहुत चिंतन किया ने थोड़ा बहुत कर लिया नहीं किया और नाना प्रकार के, तो भैया जन्म लेने पड़ सकते। बोलो स्वामी जी, यद्यपि विनाश नहीं होगा, जन्म लेने के बाद अगले जन्म में फिर जो है ये ब्याज लग के जो अब की भाव भक्ति प्राप्त होगी और फिर चिंतन के लिए समय मिलेगा। इसलिए भैया आज को लाओ लाए इसी जन्म में काम को बढ़ा, 15-20 साल तो बचपने में ही बीत जाते हैं, खेल कूद में ही बीत जाते हैं, इसके बाद थोड़ी जानकारी होती है तो संत गुरुओं का संग जल्दी से प्राप्त नहीं होता है, और कहाँ की मारे कहाँ कौन सी परिवार में जन्म हो, कैसी जगह जन्म हो, कौन से देश में हो क्या, इसलिए देरी नहीं करनी है हमको। अब जो लाभ प्राप्त हो गया, अब जो हमारा बानिक बन गया है, हो सकता है कि सत्संग ही प्राप्त नहीं होता है बहुत उम्र तक, काऊ भाग मिलो सत्संग ताके सीवत लागो रंग, इसलिए आगे के लिए नहीं प्रार्थना करते हुए हे महाराज हे कृपालु दयालु, सहतरी वह बजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हो मान कोटि करोड़ों नातों का नाता सहतरी भाव इससे भावित होके इसी जन्म में हे प्रियाजू मैं आपकी सखी हूँ सहतरी अंग संगनी अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे प्रियाजू ऐसी दयालु है स्वामी जी बड़े दयालु हैं। राई के सम भजन को अनन्य भाव से निष्कामता भाव से जो भजन परायण है, तो राई के थोड़े भी भजन को प्रियाजू बहुत मान लेते। लेकिन एक बात यह है जो अनन्य भाव है जिनके अंदर निष्कामता है वो थोड़ा नहीं पूरे जीवन पूरी भजन परायण रखते, हर कृति उनकी भजन स्वरूप है। बोलो बिहारी जी, तो राई के सम भजन को माने मीर समान औगुन करे समुद्र सम गणत न अपनो जान। जब अपनी मान लेती है प्रियाजू अनन्य भाव के माध्यम से निष्काम भाव के माध्यम से, क्यों इष्ट दीजते हैं अनन्य भाव से और निष्काम भाव से, बाकी कितने कितने बड़े साधन कर ले तुम
उनसे नहीं रीझ होंगी। निष्काम भाव से और अनन्य भाव से रीझ जाते। बोलो स्वामी जो अनन्य भाव और निष्काम भाव को साथ में रखते हुए साथ हमें रत रहना चाहिए। इस जीवन का लक्ष्य बराबर साधन का तर्क मात्र भी अहंकार न करे और रत रहे बराबर। साधन में ढील आवे तो बड़ी की रहनी बिचारे कि हमारे बड़े कैसे कैसे साधन में रत रहे, संसार सुखों को त्यागते हुए और जो है कैसे साधन में रत रहे, अथवा ग्रस्त में रहते हुए भक्त और ग्रस्त का आवरण उनको नहीं व्यापा, उनको हरी प्राप्ति भई, वो कैसे रत रहे थे, कैसे हरी प्राप्ति। तो ये चिंतन करते करते जो ढील होती है मन में साधना में, वो ढील समाप्त होके हरि के चरणार बिंदों में दृढ़ता हो जाती है। बोलो स्वामी जी। तो हमको जो है इसी जन्म अपना कार्य बनाना है, तत्पर रहना है, बराबर चिंतन में रहना है, वस्तु के लक्ष्य में रहना, इस जीवन का प्रत्येक क्षण वस्तु के लक्ष्य में जाना चाहिए। बोलो स्वामी जो श्री हरदास नाम जाप, स्वामी महाराज के श्री हरदास चरण चिंतन में, और कहा कलयुग में ही धर्मदेव महाराज कह रहे हैं सर्वोपर वस्तु स्वामी जी महाराज के चरणों का चिंतन, स्वामी जी महाराज का नाम जाप करते करते निष्काम और अनिल भाव से और वस्तु को समझ समझ के, रस पक्ष को सिद्धांत पक्ष को समझ समझ के आगे बढ़ते चलो, निश्चित ही बिहारी बिहारन का नित्य सुख प्राप्त होगा। चिंता मत करो भैया। बोलो स्वामी जो महाराज की। मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, सिंहासन